दशहरा ये मूवी एक ऐसी लड़के की कहानी है जिसे जब पता चलता है कि जिससे वो प्यार करता है उसका दोस्त भी उसी लड़की से प्यार करता है तो वो अपने दोस्त की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देता है, पर एक दिन उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। दरअसल वीरपल्ली गांव एक कोयला कारखाने के पास है। यहाँ के सभी लोग वहीं काम करते हैं। मेहनत बहुत करनी होती है, इसीलिए यहाँ के सभी लोगों को शराब की लत है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि सरकार ने शराब बंद कर दिया है, इसीलिए ये सभी बहुत ही दुखी होते हैं। यहाँ सरपंच के चुनाव में सेवन्ना और राजन्ना उठते हैं। सेवन्ना सभी लोगों से कहता है कि अगर मैं सरपंच बन गया तो शराब का ठेका दोबारा से खोल दूंगा। इसी के कारण वह चुनाव में जीत जाता है। यहाँ शराब पीने में जात पात का भी बहुत भेदभाव होता है। नीची जात वाले लोगों को ठेके के अंदर नहीं आने देते हैं। हमारा धनी भी उसी जाति से बिलोंग करता है। इसका एक जिगरी यार है जिसका नाम सूरी है। धनी एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम वेनेला है। एक दिन वो उसकी कॉपी में एक लेटर भी डाल देता है, पर जब उसे पता चलता है कि सूरी भी उसी लड़की से प्यार करता है तो वह जल्दी से जाकर वेनेला से कॉपी छीनकर उस कॉपी को फाड़ देता है ताकि वेनेला को कोई शक ना हो। कुछ सालों बाद धनी और सूरी भी बड़े हो जाते हैं। वो ट्रेन से अक्सर कोयला भी चोरी करते हैं। एक दिन पुलिस उन्हें देख देती है। वो उस समय तो उन्हें नहीं पकड़ पाते, पर बाद में पकड़कर थाने ले आते हैं। कुछ डंडे मारने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। वेनेला भी सूरी से प्यार करती है। वो आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाती है और वहीं से ही कुछ साग सब्जी घर ले आती है। अब फिर से सरपंच का चुनाव होने वाला था। इस चुनाव में सेवन्ना अपने बेटे नंबी को खड़ा करता है। सेवन्ना हर बार चुनाव में शराब के कारण जीत जाता था। यहाँ ऐसा नियम भी था कि जो सरपंच बनेगा वही 5 साल तक ठेके को संभालेगा। सेवन्ना का बेटा नंबी अपने प्रचार के लिए एक क्रिकेट मैच कराता है और जो टीम जीतेगी उन्हें 15 दिन तक फ्री दारू पिलाई जाएगी और ठेके में एक कैशियर की नौकरी मिलेगी। वेनेला की माँ उसका कहीं रिश्ता तय कर देती है। जब वेनेला ये बात सूरी को बताती है तो धनी वहाँ से उठकर सीधा वेनेला की माँ के पास चला जाता है और सूरी और वेनेला की शादी की बात करता है, पर उसकी माँ साफ मना कर देती है। जिसके बाद धनी सूरी को ठेके में कैशियर की जॉब दिलाने की बात करता है। इसके बाद उसकी माँ कहती है अगर उसे कैशियर की जॉब मिल गई तो शादी में करा दूंगी। नंबी भी अपने अमीर होने का फायदा उठाता है और गांव की गरीब भोली भाली औरतों को अपना शिकार बनाता है। नंबी धनी से मैच में नहीं खेलने को कहता है। उसने अपना एक कैशियर भी चुन लिया है जो धनी के नहीं खेलने के कारण जीत जाएगा। अगले दिन मैच में धनी पहले तो नहीं खेलता, पर जब उसकी टीम पूरी तरह से हारने वाली होती है तो खेलने के लिए जाता है और अपनी टीम को जिताता है। इसी के साथ सूरी को भी कैशियर की नौकरी मिल जाती है। राजन्ना पिछले कई सालों से सरपंच का चुनाव हार रहा था, इसीलिए वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। वो अपना झंडा भी छत से निकाल देता है। सूरी ठेके में दारू लेने जाता है, वहीं कुछ लोग उसे उल्टा सीधा बोल देते हैं और फिर उनके बीच लड़ाई हो जाती है। धनी भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उस दिन ठेके में चला जाता है। वहाँ बहुत तोड़ फोड़ भी होती है, जिसके बाद नंबी उन्हें पुलिस से बहुत पिटवाता है। तभी वहाँ राजन्ना आ जाते हैं जो सूरी और उसके सभी दोस्तों को पुलिस से छुड़वाते हैं। यहाँ पर सूरी राजन्ना से इलेक्शन में एक बार फिर से खड़े होने को बोलता है। राजन्ना पहले तो मना करता है, पर सभी लोगों के फोर्स करने पर मान जाता है और इलेक्शन का फॉर्म भर देता है। वेनेला राजन्ना को बताती है कि गांव में 100 में से 60 औरतें हैं। औरतें कभी भी वोट देने नहीं जाती है। अगर सभी औरतों ने वोट दे दिया तो हम आराम से जीत जाएंगे। राजन्ना सभी औरतों के साथ मीटिंग करता है और उनकी सभी मांगे पूरी करने का वादा करता है। सूरी पर विश्वास कर औरतें वोट देकर राजन्ना को जिता देती है। फिर राजन्ना ठेके में ऊंच नीच को भी समाप्त कर देता है। सूरी को भी कैशियर की जॉब मिल जाती है, जिसके बाद उसकी शादी भी होने वाली होती है। शादी में धनी वेनेला को देखकर उदास सा हो जाता है। आखिर जिससे वो प्यार करता था उसकी आज शादी होने वाली थी। धनी का दोस्त उसे समझाता है, जिसे बचपन से ही पता था कि धनी वेनेला से प्यार करता है। तभी सूरी भी वहाँ आ जाता है। उसे भी ये बात पता चल जाती है। सूरी और वेनेला की शादी तो हो जाती है, पर वो अपने दोस्त से बात करने के लिए ठेके पर आता है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन्हें मारने पर लग जाते हैं। इसी में ही वो लोग सूरी की गर्दन भी काट देते हैं और 2-3 और लोगों को भी मार देते हैं। वेनेला भी शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो जाती है। धनी को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसे ही अपने दोस्त की चिता पर आग लगानी पड़ती है। अगले दिन पंचायत होती है। वहाँ सभी लोग निम्बी पर इंजाम लगाते हैं कि ये सब उसने कराया है।
पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। निम्बित धनी को बुरा भला बोलता है और उसे कहता है कि तेरे कारण तेरा दोस्त मर गया और तू अभी भी पीकर आया है, और तू ठेके के अंदर आया इसीलिए किसी ने तेरी वजह से तेरे दोस्त को मार दिया। धनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फिर से उन जगहों पर जाता है जहाँ से वो कल रात भागे थे। तभी उसे एक हथियार मिल जाता है जिस पर निम्बी का नाम लिखा हुआ था। वो उसे लेकर सीधा उसके घर चला जाता है। यहाँ निम्बी तो नहीं होता, पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि निम्बी ने इलेक्शन के कारण नहीं बल्कि वेनेला के कारण सूरी को मारा है। वो वेनेला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसी ने ही खुद अपने हाथों से सूरी को मारा, और किसी को शक ना हो इसीलिए 3-4 और लोगों को भी मार दिया। उसका हाल भी अब पद्मा जैसा हो जाएगा, जिसका पति मर जाने के बाद निम्बी उसका फायदा उठाता था। धनी वेनेला के घर जाता है और सभी के सामने उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। वेनेला की जाति वाले लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि धनी नीची जाति से बिलोंग करता था, पर वेनेला की माँ उसका सपोर्ट करती है। निम्बी को भी पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने धनी को सब बता दिया है, जिसके बाद वो धनी को दशहरा में मारने की बात करता है। धनी भी निम्बी को मारने के लिए हथियार बनाता है और अपने दोस्तों को भी निम्बी की सच्चाई बताता है। धनी वेनेला को अभी भी एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है, कभी भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं करता। वेनेला धनी से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने बिना उसकी मर्जी के उसे मंगलसूत्र पहना दिया था। पद्मा उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे पति के मर जाने के बाद सभी कर्जदार पैसा मांगने आ गए, तब निम्बी ने पैसे चुकाए पर बदले में मेरा फायदा उठाया। तू लकी है जो धनी ने तेरे साथ ये सब नहीं होने दिया। पति की तरह नहीं तो एक दोस्त की तरह ही उसे देख लो। इसके बाद उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। एक दिन धनी की माँ उसके हथियार देख देती है जो उसने निम्बी को मारने के लिए बनाए थे। यहाँ पर उसकी माँ उसे कहती है कि तू वेनेला को फिर से विधवा मत बना और ये सारे हथियार फेंक दे। वो भी हथियार फेंक देता है और उन्हें एक कपड़े में बांधकर कहीं पर गाड़ देते हैं। वेनेला एक दिन उससे पूछती है कि क्या तूने कभी किसी से प्यार किया है। धनी बोलता है कि बचपन में किया था पर कुछ बोल नहीं पाया, और फिर उसकी शादी होगी। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दशहरा होता है। धनी सुबह सुबह ही दशहरा की तैयारी के लिए निकल जाता है। रात में निम्बी वेनेला के पास आता है और उसे बताता है कि सूरी का खून भी उसी ने ही किया, पर धनी ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। पर आज रात में उसे भी मार दूंगा, और तू उसकी 13वीं पर ये साड़ी पहनकर मेरे पास आना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर वेनेला भी दशहरा के उस मैदान की ओर भागती है जहाँ धनी गया हुआ था। यहाँ वो लोग धनी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट भी होती है। धनी के दोस्त भी उसका सपोर्ट करते हैं। वहाँ वो हथियार भी होते हैं जो जमीन में उसकी माँ ने गाड़ दिए थे, जिनकी मदद से धनी सबको मार देता है। अब जैसे ही निम्बी को मारने के लिए जा रहा था, पुलिस वाले उसे पकड़ देते हैं, पर धनी भागकर रावण के पुतले के ऊपर चला जाता है। वहाँ उसने एक हथियार छुपाकर रखा था। वो उसे लेकर रावण के बीचों बीच में से निकलकर निम्बी को मार देता है। वेनेला को भी पता चल चुका था कि धनी उसे बचपन से ही प्यार करता है। धनी को कुछ सालों की जेल होती है। वो जेल से छूटकर सीधा ठेके को आग लगा देता है और कहता है कि मुझे लगा कि हमारे गांव में वोट देने वाली औरतें ज्यादा हैं, पर अब पता चला कि आदमी लोग तो दारू पीकर मर रहे हैं। अगर आप में से किसी के घर में कोई दारू पीकर ना मरा हो तो वो ये आग बुझा सकता है, पर उस आग को कोई भी नहीं बुझाता। और अंत में वेनेला और धनी भी एक हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।